जय हिंद दोस्तों, मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताता हूँ आज मीरा भाईंदर के संबंध में। ये बात सच है कि मीरा भाईंदर में बहुत तेजी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, 100 से ज्यादा ही हो रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। तो ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है कि जो डेथ रेट का जो आंकड़ा है वो कम है, यानी डेथ रेट काफी लो है मीरा भाईंदर का। पहले की बात करूं तो रोजाना कभी 4 मृत्यु रिपोर्ट होती थी, कभी 5 होती थी, कभी 3 होती थी। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मोस्टली एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं होती है, और अगर मृत्यु रिपोर्ट होती भी है तो ज्यादा से ज्यादा एक होती है या दो, तो भी बहुत रेयर होती है। तो कहीं ना कहीं डेथ रेट लो है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जो एक भी मृत्यु रिपोर्ट हो रही है वो भी ना हो, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि डेथ रेट काफी लो है। जो एरिया कोविड-19 हॉटस्पॉट्स हैं वहां तो लॉकडाउन लगा ही है, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं वहां थोड़े बहुत और रिस्ट्रिक्शंस जरूर लग सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन जैसा पिछले साल का माहौल था, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन, तो वो लगने के चांसेस मेरा जो अनुमान है कम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जिसको देखते हुए ये सब निर्णय शायद नहीं लिए जाएंगे शासन द्वारा। दूसरी पॉजिटिव बात ये भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स असिम्टोमेटिक है, यानी उनमें सिम्टम्स नहीं है, और कई पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बातें हैं ये पॉजिटिव बातें हैं कि थोड़े बहुत पेशेंट्स असिम्टोमेटिक है, डेथ रेट कम है। तो ये सब जो बातें हैं ये पॉजिटिव बातें हैं, और कहीं ना कहीं इस पर हमें ध्यान देना है, और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े को बढ़ने से रोकने के लिए हमें गाइडलाइंस का पालन करना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क पहनना हो, अपने आप को साफ रखना हो। तो ये सब जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, और लॉकडाउन से बचे, कोरोना को फैलने से रोके, अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।